वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील, और हमारे साथ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, और ये एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिनसे बड़ी था कि तवक्को थी कि हमें के मतलब टाइम निकालेंगी, और निकाल लिया इन्होंने आखिरकार। और आज आपने कोई लाइटर साइड एक्सपोज और वाकई में अच्छा, इनके बारे में इमेज ये है, और पता नहीं क्यों इनसे ये जानेंगे कि बड़ी सीरियस ही रहती हैं, आइसोलेटेड रहती हैं और वर्कहोलिक हैं, तो आज ये इमेज हम तोड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस है वो यूजुअली उसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, तो लोग ये बोलते हुए देखते नहीं है, तो लोग ये कहते हैं बड़ी सीरियस ही खातून होंगी। इनका पैकेज एक देखते हैं छोटा सा, फिर आपसे मिलवाते हैं। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्लासिकल और कथक डांस में निगत चौधरी को एक दरख्शां सितारे की हैसियत से जाना जाता है। निगत चौधरी की परफॉर्मेंस में कथक का वकार और नजाकत, रक्स की तवानाई और मंजरकशी की सलाहियत का दिलकश मिलाप वाज़े झलकता है। निगत चौधरी में बचपन ही से क्लासिकल डांस की खुदादाद सलाहियतें मौजूद थी, जिनमें दिल्ली कथक डांस के मौतबर इदारे से तरबियत हासिल करने के बाद मजीद निखार आया। निगत चौधरी ने सूफीज्म और रिवायती मशरकी शान और शौकत से मुजयन कथक डांस के जरिए हजरत अमीर खुसरो, अलामा इकबाल के आरफाना कलाम, ससी पुन्नू और हीर रांझा जैसी लोक दास्तानों में नाकाबिले यकीन परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान और दुनिया भर के शायकीन इन यादगार परफॉर्मेंस से रोमांस और शहर की हसीन दुनिया में चले जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और इंटरनेशनल फोरम पर निगत चौधरी की फनी सलाहियतों का एतराफ करते हुए उन्हें काबिले जिक्र एजाजात से नवाजा गया है। आइए मिलते हैं निगत चौधरी से। पैकेज आपने देख लिया, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द वेरी ग्लैमरस निगत चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हूँ। अस्सलाम वालेकुम निगत, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? मुझे बड़ा अजीब लग रहा है फॉर्मल बात करते हैं। निगत इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। हां, वी गो बैक अ लॉन्ग वे। लेकिन इतनी वो नहीं है उम्र की, नहीं नहीं, जो आप यू इज मैं निगत ऑलमोस्ट एक ही एज के होंगे मेरे साथ। अच्छा, बस वी ओनली 24 है। ये पैकेज में जो आप देख रहे थे, ये देखने में लगता होगा कि बड़ा आसान काम है, लेकिन इसमें बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्यों? हाँ, बहुत। ट्रू बहुत इसके पीछे बहुत मतलब इसमें बहुत रियाजत और बहुत मेहनत। बहुत निकट किस एज में शुरू किया आपने ये डांस सीखना? आई स्टार्टेड एक्चुअली जब मैं 5 साल की थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे डांसर बनना। एग्जैक्टली, स्कूल पढ़ रही हूँ, लंदन में पढ़ी ना, तो आई साथ साथ में डांस भी करती थी, मगर ये बात ज़रूर थी कि व्हेनेवर मैं एक्टिंग भी कर रही थी स्कूल में, डांस भी कर रही थी, म्यूजिक भी पढ़ती थी, एंड आई यूज टू प्ले द रिकॉर्डर असेंबली में इन माय लंदन स्कूल, तो बस वो मेरे अंदर एक नेचुरल एक आर्टिस्ट था, बट डांस करते हुए मैं भूल जाती थी। फैमिली की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस, कोई फैमिली में किसी को? नो, बिल्कुल। माय फादर, देखो अब्बू इज वाज अ प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, वाह। देखो टोटली वो है। और अम्मी हमेशा मतलब टेक्सटाइल, एक हुजरी फैमिली की वो बेटी है, तो आप बिजनेस फैमिली क्या मतलब पैदाइशी तौर पे जब म्यूजिक सुनते थे तो आप मतलब फिर करते करते आई थॉट कि मैं बैलरीना बनूंगी। ये लोगों को मिसकंसेप्शन है। फिर उसके बाद नाहिद सिद्दीकी मिली मुझे लंदन में, तो आई वेंट एंड सॉ अ परफॉर्मेंस। मैंने कहा अरे ये तो बिल्कुल बैले की तरह है, तो मैं ये सीखना चाहती हूँ। एंड आई हैड टू डू अ प्रोजेक्ट, मुझे कोई प्रोजेक्ट तैयार करना था अपने डांस क्लास के लिए, जिसपे उन्होंने कहा था आप पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो, उनको तो समझ नहीं ना पाकिस्तान इंडिया एक जैसा लगता, तो कोई अपने डांस स्टाइल के बारे में। भरतनाट्यम होता, कथक होता, ये तो वो करके फिर मैंने सेंटर्स में जाना शुरू किया। फिर देयर वाज अ सेंटर कॉल्ड भारतीय विद्या भवन लंदन में, तो वहाँ पे नाहिद सिद्दीकी का पोस्टर लगा। अच्छा, तो मैंने फिर मैंने पूछा हु इज दिस इतनी खूबसूरत, जिसको कहते किसी औरत को औरत से इश्क हो जाए, फिर उनको देख के फिर उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी, फिर मैंने
मैंने मुझे पता चला लाहौर की है, मुझे पता चला कि पाकिस्तान की है, देन आई न्यू दैट आई वाज फ्रॉम लाहौर, आई न्यू आई वाज फ्रॉम पाकिस्तान. तो वो जो लिंक था ना, वो एक अजीब एक मिसिंग लिंक ऑफ माय बैकग्राउंड, या अच्छा मैं पाकिस्तान की हूँ, मगर मैं कभी पाकिस्तान गई नहीं थी. इसने दास्तान गोई जो है उसके हवाले से जो इसकी परफॉर्मेंस है उसका इंतखाब क्यों किया. खादिन आजाद, निगत इज हियर, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया.